मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, तीन ग्लैंड जो होती है हमें देखने को मिलती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल में, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, कॉपर्स ग्लैंड। डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? सिक्रेट मिल्की फ्लूड दैट हेल्प इन स्पर्म मोबिलिटी। मिल्की फ्लूड को सिक्रेट करती है जो कि जिसमें स्पर्म जो हो वो मोबाइल हो सके अच्छे तरीके से। मोबाइल होने का मतलब हो सके कि स्विम कर सके अच्छे तरीके से, लोकोमोशन कर सके अच्छे तरीके से। ओके, तो लोकोमोशन के लिए, उसके मोबिलिटी के लिए कि वो अच्छे तरीके से वहाँ पे क्या कर सके, स्विम कर सके या फिर वो लोकोमोशन कर सके, उसके लिए क्या सिक्रेट करता है? मिल्की फ्लूड को सिक्रेट करता है। कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या सिक्रेट करता है? प्रोड्यूस विस्कस फ्लूड विच हेल्प इन स्पर्म मोबिलिटी इन फीमेल। जब इंटरकोर्स होता है, इंटरकोर्स के बाद अगर मेल की बॉडी से स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर जाते हैं, यूट्रस तक पहुंचते हैं, तो वहाँ से यूट्रस में, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब तक या फिर वजाइना से यूट्रस तक पहुंचने पर भी स्पर्म को क्या करनी पड़ती है? लोकोमोशन करना पड़ता है। तो वहाँ पे भी स्पर्म को मोबिलिटी देने के लिए जो फ्लूड होता है वो सेमिनल वेसिकल सिक्रेट करता है, विस्कस फ्लूड होता है। ओके, फिर फीमेल की बॉडी में हेल्प करता है जब स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर होते हैं। एग्जिस्ट इन पेयर, और सेमिनल वेसिकल पेयर में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है विच एग्जिस्ट इन पेयर, जो कि हमें पेयर में देखने को मिलती है। सिक्रेट म्यूकस टू ल्यूब्रिकेट फीमेल पासिस। ये थोड़ा फ्लूडी आप कह सकते हैं, म्यूकस फ्लूड सिक्रेट करता है जो ल्यूब्रिकेटिंग करता है फीमेल पासिस में, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वहाँ पे पेनिस का जो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इंटरकोर्स। ओके, तो वहाँ पे क्या करता है कि पेनिस को ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है। ओके, हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। टर्म एज बल्बो यूथ्रल ग्लैंड, और हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूथ्रल ग्लैंड किसको बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड को बोलते हैं। तीन ग्लैंड हैं जो हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलती है, और उनके हमने फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करे। नेक्स्ट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या वहाँ पे फंक्शन होता है। तो टेस्टिस को हम अभी बाय फिगर के थ्रू आपको भी यहाँ पे दिखाई देगा। टेस्टिकुलर लोब्यूल एक पार्ट होता है उसका, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब ये कौन सा पार्ट आपको फिगर में दिख रहा होगा? ईच स्मॉल सेगमेंट इन साइड टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो छोटे छोटे सेगमेंट हैं, ये जो सेगमेंट हैं इनको बोलते हैं हम क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अप्रॉक्स 250 लोब्यूल्स एग्जिस्ट इन आर टेस्टिस। हम जानते हैं टेस्टिस जो होता है वो पेयर में होते हैं। ओके, तो एक टेस्टिस के अंदर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल लगभग 250 होते हैं। ओके, ये जो सेगमेंट होते हैं, स्मॉल सेगमेंट जो दिख रहे हैं, ये कितने होते हैं? 250 एक टेस्टिस के अंदर। इनको बोलते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट नेक्स्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आपको दिख रहा होगा फिगर पे। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन साइड लोब्यूल। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो लोब्यूल के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपको दिख रहा होगा। ओके, अप्रॉक्सीमेटली ये 1, 2, 3 एग्जिस्ट इन अ लोब्यूल। एक या तीन, एक से तीन ये मिलते हैं आपको एक लोब्यूल के अंदर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपको एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। स्पर्म आर प्रोड्यूस इन साइड दीज लोब्यूल। स्पर्म इन लोब्यूल्स के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, वहाँ पे लोब्यूल्स के अंदर स्पर्म जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, मेल गैमेट फॉर्म होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल क्या होते हैं? अभी हम बात कर रहा था ना स्पर्म सेल की। ओके, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर ही मेल जर्म सेल जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनर लाइनिंग पे फॉर्म होते हैं। अंडर गोज म्योसिस टू फॉर्म स्पर्म। क्या फॉर्म करते हैं? म्योसिस प्रोसेस पे जा करके स्पर्म फॉर्म करते हैं। टर्म एज, हम उनको क्या नाम देते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया नाम देते हैं। ओके, तो ये है मेल जर्म सेल जो कि फॉर्म होते हैं कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनर लाइनिंग, इनर वॉल पे। ओके, सर्टोली सेल्स। व्हाट इज सर्टोली सेल्स? फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन साइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देयर आर मेनी सेल्स आर प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड सर्टोली सेल्स। ओके,
एंड इट्स फंक्शन इज प्रोवाइड नरिशमेंट टू मेल जर्म सेल। ये मेल जर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, सर्टोली सेल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है लेडिग सेल। लेडिग सेल क्या है? सेल्स आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल के आउटसाइड में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं लीडिंग सेल, लीडिग सेल। इनको हम एक दूसरे नाम से बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरसेशियल सेल। ओके, एंड इट्स फंक्शन सिंथेसाइज एंड सिक्रेट एंड्रोजन। व्हाट इज एंड्रोजन? एंड्रोजन इज द मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। ओके, मेल सॉरी सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट इज रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस व्हाट इज? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कैरी स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू वेसा इफरेंशिया। लॉट्स ऑफ नेटवर्क आर प्रेजेंट देयर इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कैरी, ये कैरी करती है स्पर्म को फ्रॉम सेमिफेरस ट्यूब्यूल से टू वेसा इफरेंशिया। इफरेंशिया पार्ट, वेसा इफरेंशिया पार्ट तक का स्पर्म सेल को कैरी करती है। प्रोवाइड साइट फॉर फ्लूडी रीअब्जॉर्प्शन। जो फ्लूड होता है वहाँ पे उसको रीअब्जॉर्ब करने के लिए भी वो साइट वहाँ पे प्रोवाइड कराती है। कौन? रेटी टेस्टिस। नेक्स्ट है वेसा इफरेंशिया। वेसा इफरेंशिया क्या है? एफरेंट डक्ट है एक। क्या करते? कनेक्ट रेटी टेस्टिस टू इनिशियल सेक्शन ऑफ इपिडिडाइमस। ये इपिडिडाइमस जो सेक्शन है उसको वहाँ से, जो वहाँ का जो इनिशियल इनिशियल सेक्शन है, मतलब स्टार्टिंग वाला जो सेक्शन है, रेटी टेस्टिस को वहाँ तक कनेक्ट करती है। ओके, रेटी टेस्टिस क्या है? ये स्पर्म को कैरी करता है कहाँ से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वेसा इफरेंशिया तक का। ओके, तो ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जहाँ पे हमने इन इन पार्ट के बारे में डिस्कस किया और उनके फंक्शन के बारे में। ओके।